हेलो एवरीवन, उम्मीद से भरी एक नई सुबह में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही शानदार और बिल्कुल ही ट्रेडिशनल जो घर में बनाई जाती है बड़ी की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। सब्जी इसकी तो ये है मेरे लौकी की बड़ी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बिना लहसुन और बिना प्याज की ये वाली सब्जी आपको बताने वाली हूँ। देखिए, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है तो अक्सर लोग लहसुन प्याज की सब्जी नहीं खाते, उसके बिना भी हम सब्जी को टेस्टी कैसे बना सकते हैं, तो देखते हैं। आइए, तो ये मैंने ऑयल डाला है और उसमें मैंने सबसे पहले बड़ी तल के रख लिया है और उसमें मैंने ये अदरक क्रश किया हुआ, अदरक और जीरा का पेस्ट मैंने मिक्स ग्राइंडिंग जार में पीस के रखा हुआ था, वही हम 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे मसाले में, क्योंकि हम इसमें प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करेंगे तो हमको टेस्टी भी बनाना है। तो ये मैंने धनिया पाउडर लिया, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और ये थोड़ा सा गरम मसाला। फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि बिना प्याज के और बिना लहसुन के सब्जी टेस्टी नहीं बनती, मगर ऐसा नहीं है, हम उसके बगैर भी सब्जी को टेस्टी बना सकते हैं। तो यही मैं आपको रेसिपी में दिखा रही हूँ बनाकर। तो देखिए, मैंने उसमें मसाले में अब मुनगा और आलू डाल लिया है, मोरिंगा जिसको हम कहीं कहीं सहजन भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट्स करके आप मुझे बताइएगा। देखिए, मैंने उसमें नमक ऐड करके इसको थोड़ी देर हमको मसाले के साथ में भून लेना है। और ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा रोस्टेड तिल का पाउडर डाला है, तो इसमें हमको ग्रेवी बनाना है इसलिए मैंने ये पाउडर, या तो हम रोस्टेड मूँगफली पाउडर डाल सकते हैं या फिर रोस्टेड तिल का पाउडर यहाँ पर हमको डालना है। और उसके बाद हमको पानी डाल के सब्जियों को अच्छे से पका लेना है और फिर हमको तली हुई बड़ी भी ऐड कर देना है। तो देखिए, ये सब्जी दिख ऐसी रही है मगर बहुत टेस्टी लगती है, या प्याज लहसुन वाली सब्जी से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्जी। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए इस प्रकार से। तो मेरे यहाँ तो मैं नवरात्रि में इसी प्रकार की सब्जी बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन की। तो देखिए, अब मैं थोड़ा और गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हमारी सब्जी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है तो मैं ये देखिए टमाटर प्यूरी टमाटर पीस के रख लिया मैंने, सिर्फ टमाटर। तो इसमें हम थोड़ी सब्जी पक जाए उसके बाद ही टमाटर डालेंगे, क्योंकि ये बड़ी और मुनगा पकने में टाइम लगता है तो पहले हम खटाई नहीं डालते। तो ये थोड़ी हमारी पक चुकी है, उसके बाद ही मैंने टमाटर डाला है पीस के, और उसके बाद भी हमको अच्छे से इसको पकाना है। तो इसमें पानी हमको ज़्यादा ऐड करना पड़ता है तभी ये बड़ी की सब्ज़ी पकती है और ग्रेवी इसकी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो हमको इसको अच्छे से पका लेना है। देखिए, तो यहाँ पे हम ढाँक के और रख देंगे 5 से 10 मिनट, कम से कम हमको उसको 20-25 मिनट में है ये सब्जी बन के रेडी होती है। फ्रेंड्स, तो आप भी एक बार ट्राई करिए, बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। ये देखिए, मैंने लास्ट में धनिया पत्ती ऐड किया है और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, और ये रेडी है हमारी सब्जी बन के बिना प्याज लहसुन वाली टेस्टी टेस्टी सब्जी। एक बार ट्राई ज़रूर करिए। देखिए फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।